हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो कि एक साल में ही इस कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया है, यानी शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं माला माल कर दिया है। और इस कंपनी के रिलेटेड दो बड़ी खबरें निकल के आई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक्स आपको रॉकेट की तरह मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है। इस कंपनी के कारोबार और बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, तो यह कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जी हाँ फ्रेंड्स, साथ में डिजाइनिंग भी करती है, डेवलपमेंट भी करती है, एंड असेंबली एंड टेस्टिंग का भी यह कंपनी काम करती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी का काम चल रहा है फ्रेंड्स। और इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे रिलीज हुए हैं, और साथ में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, NSE और BSE दोनों एक्सचेंज को मैनेजमेंट की ओर से एक फाइल सबमिट किया है। और पहली बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वार्टर फोर के नतीजे रिलीज कर दिए, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में यहाँ पे देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स भी इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा अप्रूवल आया है, तकरीबन 200 करोड़ का फंड राइजिंग का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 करोड़ का फंड राइज करता आपको यह कंपनी नज़र आएगा। और इस फंड का कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कर सकता है। और जैसा कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं, क्वार्टर फोर के नतीजे आप लोगों के सामने, हम जो नतीजे डिस्कस कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, और यहां पे जो सारी वैल्यू है वो इन लैक्स में है, लेकिन मैं यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं इन करोड़ में। यहां पे आपको क्वार्टर फोर के नतीजे देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको पिछले क्वार्टर के नतीजे, और यहां पे आपको पिछले साल क्वार्टर फोर के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे टोटल इनकम की बात करूं, तो इस बार क्वार्टर फोर में जो टोटल इनकम निकल के आई वो 106 करोड़ की, जो कि पिछले साल क्वार्टर फोर की बात करें तो 105 करोड़ का टोटल इनकम था। तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो टोटल इनकम सेमी यानी फ्लैट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं तकरीबन 82 करोड़ का टोटल इनकम था, उसमें बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें देखने को मिला है। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें, कंपनी के खर्चों की बात करें, तो भी यहाँ पे आपको एक्सपेंस खर्चे देखने को मिलेंगे। इन खर्चों को अगर हम टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा वो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का था, और पिछले साल क्वार्टर फोर की बात करें तो सिर्फ 8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा इंपैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट निकल गया है वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के सामने है, तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और पिछले साल क्वार्टर फोर की बात करें तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, और साथ में बड़ी खबरें भी निकल के आ रही है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आगे आने वाले दिनों में शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी है।